हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो एनालिसिस की डाली थी उसमें मैंने आपसे कहा था मैं आपके साथ करूंगा मेंस की स्ट्रेटजी शेयर। तो इस वीडियो में मैं क्या आपको मेंस की स्ट्रेटजी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो देखो, एवरी सब्जेक्ट को लेकर अगर मैं बात करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं अभी इसमें क्या करूंगा, आपको सिर्फ ऐसे दो सब्जेक्ट बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो ये स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट वाइज रहेगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, कहाँ से हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और कहाँ पर है जो हम एवरेजली ही रह सकते हैं, चाहे हम मतलब कितनी ही ज्यादा मेहनत कर लेना तो वहां पर हम वो कितने भी टफ आ सकते हैं। तो ये होगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना और एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना। अब हम मेंस की करेंगे। एंड सबसे पहले एक बात और, देखो कुछ बच्चों का होगा कि SBIPO अच्छा नहीं गया होगा, SBIPO बिलो द एवरेज है, तो उन बच्चों को ऑब्वियसली IBPS PO पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि अभी जो एक हफ्ता है ना उनके पास, एक हफ्ता और ये जो 10 दिन है, शायद 4th और 11th को एग्जाम है, तो उनको बिल्कुल IBPS PO के प्रिलिम्स पर ही फोकस करना चाहिए और अच्छे से प्रिलिम्स देकर फिर मेंस पर आना चाहिए, क्योंकि आपको फिर आराम से 30-40 दिन मिलेंगे मेंस के लिए IBPS PO के लिए। तो आप IBPS PO पर अभी फोकस करिए। और जिनका अच्छा गया है SBIPO, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, आप जब SBIPO अच्छा दे दिया आपने तो आपको IBPS PO के लिए क्या करना है, बस एक मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है। डेली वाइज एक मॉक टेस्ट उठा लीजिए, जो कि मैं भी लगाने वाला हूं, और बाकी मेंस का प्रिपेयर करिए। और आपको किसी टॉपिक में लगता है कि आप SBIPO में फंसे थे तो उस टॉपिक पर थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए, 10-15 मिनट दे दीजिए बस उस टॉपिक के क्वेश्चंस को, दैट्स इट। तो आप प्रॉपर मेंस पर ही चलना है। तो इन अभी मैं जो बताऊंगा ना प्रॉपर, वो सब्जेक्ट वाइज रहेगा कि आपको देखो किस किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। तो पहले दो सब्जेक्ट वही रहेंगे जो फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको दो ही सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो 2 सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके बारे में मैं एक अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना। So, दोस्तों देखो, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी में जो आपको बताऊंगा ना वो आपको थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है, बिकॉज आई डोंट नो लाइक आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, कौन किसमें आप ज्यादा स्ट्रांग हो, किसमें आपको अच्छा लगता है प्रैक्टिस करना ज्यादा, और कहां पर आप बोर होते हो। तो मैं एवरेज तरीके से मैं वो बता के चलूंगा आपको एक्चुअल चीज जो सबको फायदा देगी, मतलब जो मैंने प्रीवियस ईयर फेलियर देखे हैं ना अपने एग्जाम, जहां मैं फेलियर हुआ मीन्स के अंदर फेल मुझे देखने को मिला है, तो वहां पर मैंने एक चीज देखी है और एनालाइज की है, और वही चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि हमें कहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और कहां पर हमने थोड़ा सा और फोकस बढ़ाना चाहिए। बस बाकी आप टाइमिंग का सब चीज का अपने अकॉर्डिंग सेट करना यार, कि आप कितनी देर तक प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना टाइम तक प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना एक सब्जेक्ट को आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं एक एवरेज लेके चलूंगा कि एक स्टूडेंट के पास इतना टाइम है और इसके अकॉर्डिंग उसे ये करना चाहिए। तो इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से उसमें चेंजेस करना चाहते हो। तो ऑलवेज मैं कहता हूं, देखो चेंजेस करने चाहिए, स्ट्रैटेजी देखो बट अपने हिसाब से उसको परफेक्ट बना लो, ये है। क्योंकि ये जो मैं बताऊंगा आपको, ये तो मैं सबको और मेरे हिसाब से जो परफेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये एक्चुअल में फायदा करेगी। अगर आप इसको ही अप्लाई करोगे तब भी फायदा करेगी, और इसमें अपने चेंजेस के हिसाब से इसको अप्लाई करोगे तब भी आपको फायदा करेगी। तो सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा टाइम की। टाइम क्या है, अगर मैं टाइम को लेकर चलूं तो हर एक स्टूडेंट पर मैं मान के चलता हूं आपके पास 8 से 9 घंटे तो हैं, 8 से 9 आवर्स आपके पास हैं पढ़ने के लिए, और इन्हीं 9 आवर्स को और 8 आवर्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है एक एक सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे से। मतलब अभी मान लो अभी आपके पास जब तक प्रीलिम्स नहीं होता IBPS PO का, तो मैं मान के चलता हूँ 7 आवर्स है, सही है, 7 आवर्स तक आप करो, क्योंकि 1-1.5 घंटा आप IBPS PO के प्रीलिम्स को दोगे जरूर, वो देना भी चाहिए। तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट रहेंगे ना वो रहेगा एक तो GA। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से एज दिला सकते हैं IBPS PO और SBIPO के अंदर। दूसरा रहता है इंग्लिश। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश ऐसी होती है जो कभी ज्यादा टफ नहीं दी जाती है, बहुत ऐसी इंग्लिश आती है कि हर एक बच्चा अगर अच्छी कॉम्प्रीहेंड स्किल्स हैं वो अटेम्प्ट कर सकता है, और वो कैब पे इतना फोकस भी ना करो तो थोड़ी बहुत वो कैब भी आती है ना तब भी आप कर सकते हो यार, इतनी तकड़ी वो कैब नहीं पूछी जाती है। मैं मेंस दे चुका हूं, 4 मेंस दे चुका हूं, और मुझे पता है कि कितनी कैसी वो कैब पूछी जाती है। और GA तो देखो आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात करेंगे GA के लिए, तो देखो GA आपको किस तरीके से करना है, तो आपको GA को देना है 1/3 और 1/4 टाइम। तो जो भी आपका टोटल टाइम है ना, तो उसका 1/3 या 1/4 जितना आपके अंदर हो सके, क्या आप 1/3 दे सकते हो या 1/4 दे सकते हो, तो इतना टाइम तो देखो बिल्कुल देना ही देना है।
मान लो आपके पास 8 आवर्स या 9 आवर्स है, 9 आवर्स आप स्टडी कर रहे हो, तो 9 आवर्स में आप 3 आवर्स तो आपको देने ही देने हैं, और 3 आवर्स तो आप मान के चलो कि ये तो रिकमेंडेड है कि 3 आवर्स तो आपको देने हैं। जस्ट अ सेकेंड, या 3 आवर्स तो आपको बिल्कुल कंप्लीट रीड करने। अब ये 3 आवर्स तो देखो आपको कैस किस तरीके से देने, ये चीज मैटर करती है। आप ना 1-1 आवर का ब्रेक ले लो, ब्रेक लेने का मतलब है ब्रेक कर लो अपने टाइम को। लाइक 1 आवर आपने पहले पढ़ा करंट अफेयर, एक मंथ स्टार्ट करा आपने अक्टूबर, आप अक्टूबर पहले खत्म करोगे और डेली वाइज चलाओगे, ये चलना है आपको। एक मंथ लेके चलोगे और एक क्या करोगे डेली वाइज, तो डेली वाइज तो इंपॉर्टेंट रहेगा जो अब चल रहा है मंथ, जैसे दिसंबर अब आने वाला है या जो अभी नवंबर चल रहा है तो दिसंबर भी आ जाएगा, तो दिसंबर को डेली वाइज करना है और बाकी एक मंथ उठा लो। लास्ट कितने मंथ के करने हैं, जीए को आपको हमेशा प्रेफरेंस देनी है लास्ट 4 मंथ्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 4 मंथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एसबीआई में थोड़ा सा और पहले का भी दे देगा, लेकिन 80% तो आपको 4 मंथ से मिलेगा, और आईपीएस पीएम में तो 90% आपको लास्ट 3 से 4 मंथ्स का मिलेगा। चाहे आप उठाकर देख लो पिछले जो इयर्स के पेपर्स हैं उनको उठाकर जीए देख लो किस तरीके का कहां कहां का पूछा गया है, तो आपको पता चल जाएगा तब भी। तो 1 आवर बिल्कुल 1 घंटा दो, फिर क्या करो आप कोई और सा सब्जेक्ट उठा लो। यहां पर 1 घंटा पढ़ने के बाद कोई और सा सब्जेक्ट उठाया आपने, ये उसको पढ़ा 1-1.5 घंटा, फिर आप क्या करो फिर से करंट अफेयर उठा लो 1 आवर के लिए। यहां पर आप पता है जब इस तरीके से करोगे, आप एक चीज को 3 घंटे तक लगातार पढ़ोगे ना, तो उसमें उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाओगे जो एफिशिएंसी चाहिए। मतलब आपको करंट अफेयर्स पढ़ने और वो ऐसे पढ़ने जिसमें आपको दिमाग में भी जाना चाहिए और वो याद भी रहना चाहिए। तो इसलिए 1 आवर पढ़ो, 1 आवर में जितना रिक्वायर्ड गया अंदर ठीक है, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाओ थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद, फिर उसको पढ़ने के बाद फिर 1 आवर करंट अफेयर उठाओ। इस तरीके से ऐसे ही तीसरे आवर में क्या करो, आप थोड़ा सा ब्रेक दो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो और फिर कोई करंट अफेयर का 1 आवर सेशन लगा लो। तो इस तरीके से आप 1-1 आवर में ब्रेक कर लो। आपको लगता है कि आप 2 आवर पढ़ सकते हो तो आप 2 आवर का ले लो, एक 2 आवर लगा लो और एक थोड़ा सा ब्रेक, एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर तीसरे घंटे पर चले जाओ, यानी 1 आवर और पढ़ लो। इस तरीके से आपको पढ़ना है। सोर्स की आपकी बात की रहती है कि सोर्स, फिर आपको रहती है प्रॉब्लम सोर्स की। तो सोर्स देखो आपने जिस सोर्स से पहले कर रहे हैं या डेली वाइज आप करते हो तो उस सोर्स को यार उठाओ और उसी से रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तेजी से समझ में आएगा। सोर्स तो सब बराबर होते हैं, कोई ऐसा नहीं है ज्यादा इफेक्टिव होता है। बस आपको ये रखना है कि आपको डीप डाउन जाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार बस ऊपर की हेडिंग आई है और उसको रीड कर लिया हो गया करंट अफेयर, नहीं। अब देखो आपको एनालिसिस आपने देख लिया होगा एसबीआई क्लर्क में भी डीप जाके पूछा गया है, तो डीप आपको अब पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर में ये थोड़े चेंजेस मिले हैं इस बार बैंकिंग में देखने के लिए कि अब वो डीप डाउन जाने लगे हैं, बस क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेंगे। तो इसलिए पूरी न्यूज कंप्लीट तरीके से पढ़ो, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो अभी बहुत टाइम है आराम से, लाइक 30-35 डेज हैं और बहुत आसानी से हो सकता है, मतलब 2-3 महीने के करंट अफेयर आसानी से हो सकते हैं। अभी भी 3 घंटे दोगे तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी, तो आप आराम से इस तरीके से चलो। सोर्स कोई सा भी उठाओ, और मेरे हिसाब से जो सोर्स रहना चाहिए आपका, एक तो अफेयर्स क्लाउड, अगर आपको अफेयर्स क्लाउड थोड़ा बड़ा लगता है तो यार आप कोई भी वीडियो सोर्स के लिए जाओ या अदर सोर्स अड्डा वगैरह है उनके लिए जाओ। तो डेली करंट अफेयर हो गया 3 आवर्स उसको दे दिए, 1-1 आवर का इस तरीके से ब्रेक लेना है। बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर चलना है, ऐसा नहीं है कि डेली वाइज आप छोड़ रहे हो। डेली वाइज मतलब 2 आवर आपने क्या करा पिछले मंथ का करंट अफेयर पढ़ा और ये 1 आवर आपने डेली वाइज दे दिया, डेली वाइज को दे दिया। तो इस तरीके से आपने करंट अफेयर पर काम करना है, ठीक है। अब जो आती है वो आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए, दोनों के लिए, पीओ के लिए। देखो इंग्लिश तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है यार, क्योंकि ये है ना 90 नंबर की। अब आप कहोगे 90 नंबर कैसे, 90 नंबर इस तरीके से, 40 तो आपको पता ही है कि रिटर्न होता है इंग्लिश जो आता ही आता, बाकी 50 आप किसके लगाओगे, एसे के और लेटर राइटिंग के। तो ये 50 नंबर यार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 50 के अंदर से आप 30 भी निकालते हो या 35 भी निकालते हो ना, तो आप सोचो कि आप कहां पहुंच जाओगे। मतलब यार इतना एज मिल जाता है ना दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा, तो अपनी राइटिंग स्किल्स और मतलब लेटर राइटिंग पे भी थोड़ा सा काम करना है। उसके लिए मैं देखो जो एसे की बात है ना, एसे और लेटर राइटिंग, ये दोनों की बात ना मैं एक अलग वीडियो में करूंगा प्रॉपर तरीके से, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है ये, तो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है इसमें किस तरीके से हम खेल सकते हैं। बाकी इंग्लिश रही, इंग्लिश के अंदर देखो क्या करना है, इंग्लिश के अंदर हमें चाहिए सिर्फ प्रैक्टिस और डेली रीडिंग। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमारा
बेड़ा पार कराएंगी। प्रैक्टिस और डेली रीडिंग, प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है आपको पता है, देखो पिछले ईयर का एसबीआई पीओ है और आईबीपीएस पीओ है, हमें इन दोनों के मेंस के जो मॉक टेस्ट हैं, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, इन दोनों के जो मेंस के मॉक टेस्ट है ना, मेंस के मॉक, इनको खत्म करना है अभी के लिए, इनको खत्म करना है, एक एक उठाना है। जैसे आपने मॉक वन खोला, मॉक वन उठाना है, उसकी इंग्लिश के जो, उसकी इंग्लिश में देखो क्या होता है, 3 से 4 तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, आरसी होंगे, तो इस 3 से 4 में से आप क्या करोगे, 2 आरसी कर लोगे, अगले जो 2 बचेंगे वो अगले दिन के लिए बचा के रखोगे, और जो मिसलिनियस होगा तो वो मिसलिनियस पार्ट करोगे एक एक चुन चुन के, मतलब मिसलिनियस इसमें आया पैराजंबल तो पैराजंबल भी कर लिया हमने, पैराजंबल तो खैर आपको डेली करना है, मान लो आपका कोई भी कनेक्टर्स आ गए तो आज मैंने कनेक्टर्स कर लिए, कल मुझे और कोई डिफरेंट टाइप के फिलर्स मिल गए तो मैंने कल फिलर्स कर लिए, इस तरीके से आपने उठाना है। तो इस तरीके से लेके चलना इंग्लिश को मेंस के मॉक टेस्ट से, कोई पीडीएफ सोर्स पर मत जाना ज्यादा, अगर आपके पास है इट इज वेरी गुड कि अगर आपके पास है कोई पीडीएफ कोर्स तो आपको बिल्कुल ऑब्वियसली अगर वहां से अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर प्रैक्टिस करो, उनसे भी प्रैक्टिस करो, बट मेंस के मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे, और क्योंकि वो एक्चुअल एग्जाम लेवल होते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीएम का, अगर आप प्रैक्टिस मॉक के अगर मेंस लेवल की इंग्लिश से प्रैक्टिस करते हो ना तो बिल्कुल अमेजिंग लेवल है, उसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा बेटर होती है, उनके आरसी बहुत ज्यादा अप टू द लेवल होते हैं, मतलब एग्जाम लेवल पर बहुत ज्यादा मैच करते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल करना, क्योंकि मैंने बहुत 3 से 4 महीने प्रैक्टिस करी है, जब मैं फेल हुआ था मेंस के अंदर तो बहुत ही बुरा लगा था, तो मैंने मेंस पर बहुत फोकस किया है 3 से 4 महीने, तो आरसी को करना है इसी तरीके से, एक एक मॉक टेस्ट को उठाना है, एक एक मॉक टेस्ट से डेली प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं उनको बचा के रखना है और फिर अगले दिन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का टाइमिंग क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम देना है 1 से 1.5 आवर, तो ये 1 से 1.5 आवर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये तो आपको देखो ऐसा है कि प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मॉक टेस्ट की भी अभी हम बात करेंगे दोस्तों, मॉक टेस्ट की भी मैं एक अलग वीडियो में प्रॉपर तरीके से बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूंगा तो आपको एक जो 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे जो हमें एज दिला सकते हैं वो मैंने बताएं कि जीए और इंग्लिश, इन दोनों की प्रैक्टिस पर लग जाओ और इन दोनों की प्रैक्टिस ऐसी करो कि बस डेली तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर ये 1 से 1.5 आवर की आपने प्रैक्टिस लगा ली ना, और प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी होती कि बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ आ ही नहीं रहा समझ में, तब भी मतलब इस चीज को देखा ही नहीं कि क्यों नहीं आ रहा है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ, अगर कोई आरसी नहीं आ रहा है तो आप देखो यार रीजन क्या है, क्या मुझे टोन पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं ऑथर का व्यू क्या है, क्या मैं मेन पर्पज समझ पा रहा हूँ नहीं समझ पा रहा हूँ किसी पैसेज का, तो ये चीज होती है। तो कॉम्प्रिहेंड स्किल्स आपको बढ़ानी पड़ेंगी ऑब्वियसली, और वो आप बढ़ाओगे रीडिंग से, आपकी रीडिंग से, रीडिंग में आपको उस तरीके की रीडिंग करो जो रिक्वायर्ड रीडिंग है, जैसे आपको एक पैसेज में टोन चाहिए तो आप जब रीड कर रहे हो तो आप समझो कि उस पैसेज की टोन क्या चल रही है, आप समझो क्या आपको ऑथर समझाना क्या चाहता है, जब वहां पर ट्राई करोगे समझने का रीडिंग में तो जब कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग से कनेक्ट होती रहेगी, तो ये चीजें करनी होती है, बाकी आपको ऐसा कुछ करना नहीं है इसके अंदर, बाकी सारे टॉपिक वही आएंगे उठ के, फिलर्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, बस थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे चले जाते हैं, डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा दिया जाता है कि समझने में थोड़ी सी जल्दी से नहीं समझ पाओगे, आसानी से नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ, तो उसके लिए एक अच्छी लेवल की रीडिंग होनी चाहिए, वही मैटर करती है बस। और ग्रामर पे बिल्कुल मत भागना, ग्रामर मीन्स में कुछ काम नहीं आती है, सिर्फ रीडिंग ही काम आती है, रीडिंग मतलब आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ही काम आती हैं। तो ये 2 मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, इन दोनों पे आप काम करना स्टार्ट कर दो, जिस तरीके से मैंने जीए का बताया आपको और जिस तरीके से मैंने इंग्लिश का बताया आपको। मैं मानता हूं 1.5 आवर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है एकदम, और बहुत ही रिक्वायर्ड तरीके से अगर आप 1.5 आवर करते हो ना प्रैक्टिस, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करते हो तो आपका बहुत सारा कॉन्टेंट प्रैक्टिस में हो जाता है, 2 आरसी आप कर सकते हो, बाकी मिसलिनियस आप कर सकते हो बहुत आसानी से, तो ये आपका रहना चाहिए दोनों सब्जेक्ट के लिए अभी के लिए। और जो मैं बात करूंगा फिर वो अलग वीडियो में बात करूंगा रीजनिंग की और पॉइंट की, तो वो एक उसके लिए अलग वीडियो रहेगी। तो मेंस की हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, फिर बात आते हैं स्केड्यूल की, तो स्केड्यूल की भी मैं आपको बिल्कुल डेली प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए देखो एक चीज आपको करनी है, आपको मेरा चैनल ज्वाइन कर लो बैंकिंग डायरेक्शन पे, क्योंकि उस पर मैं आप बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, जो भी प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट डीआई होंगी या कोई भी न्यूज होगी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा, तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है @, बस सर्च करना बैंकिंग डायरेक्शन,
बस विदाउट स्पेस दिए ये सर्च कर लेना @bankingdirections, तो आपको चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना बिल्कुल। और चैनल का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पर क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो स्केड्यूल जो आना स्टार्ट होगा वो स्ट्रेटेजी के बाद से होगा, तो पहले स्ट्रेटेजी की वीडियोस दोनों कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद मैं आपको डेली स्केड्यूल दूंगा। स्केड्यूल में आपको क्या करा करूंगा, सोर्स भी बताया करूंगा कि ये चीज यहां से करो और कितना करना है क्वांट के अंदर डेली और कितना इंग्लिश के अंदर, वो मैं आपको लिख के प्रॉपर एक वीडियो दे दिया करूंगा मॉर्निंग में रखूंगा मैं, तो मॉर्निंग में सुबह अपलोड कर दिया करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, वीडियो को जरूर अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, स्ट्रैटेजी को जरूर अपनाना इसको, और अपने हिसाब से तो चेंजेस आपको करनी है। अगर आपको लगे कि कुछ मुझे इस तरीके से बेटर लग रहा है तो आप करो बिल्कुल। थैंक यू सो मच।